हजार वर्ष पूर्व श्रीनगर में एक ऐसी अलौकिक घटना घटी जिसने सोचने और समझने के मानक ही बदल डाले। वितस्ता नदी के पूर्वी तट पर एक विशाल शिव मंदिर के सामने एक संयुक्त परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बालपन से ही विलक्षण बुद्धि का परिचय देने वाले और सामान्य से असामान्य अर्थ निकालने वाले इस बच्चे का नाम उसके विद्वान गुरुजनों ने अभिनव रखा। अभिनव यानी नित नया। अभिनव गुप्तपाद ने इस नाम की सार्थकता कुछ ही वर्षों में सिद्ध कर दी जब उनके चिंतन, मनन और लेखन ने एक सांस्कृतिक क्रांति ला दी जिससे वो काल ही प्रभावित नहीं हुआ जिसमें वो जन्मे थे, बल्कि उनके पूर्व के साहित्य, उनके पूर्ववर्ती आचार्यों के कथनों की भी नई व्याख्याएं होने लगी और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने अतीत और वर्तमान को समझने के नए मार्ग मिलने लगे। कश्मीरी शैविज्म का उगम किसी को नहीं पता, ये परमात्मा से दिया हुआ मानते हैं, शिव शक्ति की संवाद मानते हैं, मगर इसकी जो प्रणेता है समाज में इस पर टीका करके जनप्रिय बनाने वाले में श्री अभिनव गुप्त जी अग्रगण्य हैं। उन्होंने मंतक पर भी लिखा है, उन्होंने जमालियात पर भी, सौंदर्य शास्त्र पर भी लिखा है, उन्होंने मेटाफिजिक्स पर भी लिखा है, उन्होंने ग्रामर पर भी लिखा है, और जो उनका लेख है वो इस पाए का है कि उसकी जो मिसाल है, उसकी उसका जो दृष्टांत है वो आपको मुश्किल से कहीं मिलेगा। उनको किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष का चिंतक और सामाजिक दार्शनिक और नाट्यशास्त्र का जानकार के रूप में उनको सीमित नहीं करना चाहिए। वो व्यक्तित्व तो बहुत विशाल था और सारे दुनिया को, भारत को, कश्मीर को संदेश देने वाला था, इसलिए उसको किसी परिधि में बांटने से वो हम उनको न समझ सकते हैं, न जान सकते हैं, और उनको हम छोटा भी कर देते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने दिखाया कि परम चैतन्य तक पहुंचने का मार्ग केवल वनवास और सन्यासी आश्रमों से ही होकर नहीं जाता, वो इस समाज और परिवार के बीच से भी जाता है। यहां रहकर भी हम परम शिव तक पहुंच सकते हैं। उनका दर्शन इसी जगत में रहने वाले लोगों का दर्शन है, एक उदीयमान भारत का दर्शन है। लेकिन उनका धर्म मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का, संपूर्ण मानवता का, कश्मीर की भूमि से लेकर के संपूर्ण धरती के कल्याण का रास्ता था। उसमें पांथिक जड़ता नहीं थी, रिलीजियस रिजिडिटी नहीं थी, अपितु कोई भी रास्ता उपासना का हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है यदि उस रास्ते से हम स्वात्मबोध की कोशिश करते हैं। इसलिए अभिनव गुप्त सभी दर्शनों का जो कल्बिनेशन ऑफ द ऑल फिलोसफी अकॉर्डिंग टू अभिनव गुप्त है, वह प्रतिभिज्ञा है, अपनी पहचान है। हम क्या हैं? हम सिर्फ ज्ञान के द्वारा अपने को नहीं जानते हैं, हम स्वात्म अनुभव के द्वारा अपने को जानते हैं, और उसी अनुभूति का विस्तार जब वैश्विक स्तर पर करते हैं, यूनिवर्सल डोमेन में करते हैं, तो संपूर्ण मानवता के कल्याण वाले करने वाले व्यक्ति के रूप में कोई भी अपने को स्थापित कर सकता है। आचार्य अभिनव गुप्त को शिवलीन हुए 1000 वर्ष हो गए हैं, तो स्वाभाविक था कि हम उन सभी संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के साथ साक्षात्कार करें जिनके मन और आचरण में आज भी अभिनव गुप्त के विचार किसी न किसी रूप में जीवित हैं, वे चाहे केरल में रहते हों या कश्मीर में। राजतरंगिणीकार ललितादित्य के कालखंड में जिस प्रकार के कश्मीर साम्राज्य की चर्चा करता है और ललितादित्य के विजय की चर्चा करता है, और कश्मीर के अध्येताओं का पूरे देश में जाने की चर्चा करता है, वह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सर्वत्र कश्मीर के पंडितों के द्वारा भारत की साधना परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा, विज्ञान परंपरा और तकनीक, इन सबके विस्तार का कार्य हुआ था। अर्थात कश्मीर का अवदान संपूर्ण भारत के लिए है, और सिर्फ इतना ही नहीं है कि है, अपितु कहा जाए कि यदि कश्मीर न होता तो भारत में ज्ञान न होता। कश्मीर में आज भले ही उनसे जुड़े भौतिक चिन्ह स्पष्ट ना हो, लेकिन लौकिक और सांस्कृतिक स्तर पर
अभिनव गुप्त की स्मृति आज भी जीवित है जम्मू और कश्मीर घाटी के हर कस्बे में, महत्वपूर्ण तीर्थ में शिव और शैव दर्शन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। वो चाहे क्षीर भवानी का तीर्थ हो, जहां आज भी देवी की अर्चना में हजारों भक्तों की भीड़ जुट जाती है, या फिर ज्येष्ठा देवी का मंदिर। जो ग्रैंड ट्रेडिशंस हैं, जिनमें फिलॉसफी है, रिलीजन है, साइंस है, अनफॉर्चुनेटली ये इसका ठहराव आ गया और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये ग्रैंड ट्रेडिशंस बाद में नहीं रहीं, लेकिन फोक ट्रेडिशंस रहीं। तो फोक ट्रेडिशंस में ये ग्रैंड ट्रेडिशंस आ गई हैं, जिंदा हैं। आजकल के ज़माने में जो लिख रहे हैं, जो हमारे शायर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, अगर वो सचमुच के शायर हैं तो वो अपने माजी से, अपने उससे, अपने पास से अपना दामन छुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में धुसे हुए हैं, वहाँ से उगे हुए हैं, तो वो खुशबू किसी न किसी रूप में उनमें होगी ही होगी। तो ये इस फोक ट्रेडिशन के हवाले से ही हम उनको अपनी ट्रेडिशन की पहचान करवा सकते हैं। प्रवरपुर यानी प्राचीन श्रीनगर के इसी क्षेत्र में अभिनव गुप्त के गुरुओं की भी कर्मस्थली थी और उनके शिष्यों की भी। प्रसिद्ध शैवाचार्य वसुगुप्त का शंकर पल भी पास ही है और उनके भक्त लक्ष्मण जू का आश्रम भी पास में ही है। कश्मीर के हजारों लोगों की आंखों में अभिनव गुप्त में नई उम्मीद का प्रकाश दिखाई देने लगा है, तो देश भर में एक सांस्कृतिक अभियान का उत्साह जाग गया है।